बड़ा सवाल आप देख रहे हैं, और सवाल यह कि INS विराट पर राजीव गांधी के छुट्टी पर जाने का सच क्या है। इस पर एक बयान आपको दिखाते हैं, राजीव गांधी पर पीएम मोदी के आरोप पर रिटायर्ड एडमिरल रामदास का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि INS विराट पर आधिकारिक दौरे पर गए थे पूर्व पीएम राजीव गांधी। INS विराट के निजी इस्तेमाल के आरोप गलत हैं। ये जो आरोप पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर लगे थे, उसके बाद अब प्रतिक्रिया सामने आई है रामदास के बयान के बाद। अब क्या बीजेपी कहेगी, उसका जवाब हम बीजेपी के प्रवक्ता से लेंगे, लेकिन आपको INS पर तैनात उस वक्त के अधिकारी का बयान भी सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले रामदास क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुन लेते हैं। Nobody was there, only Rajiv Gandhi and his wife. And by our rules, by the government rules, no official trip, because he was in official visit to Trivandrum. I told you why. Then he was officially to chair the Island Development Authority meeting the next day. So, you know, prime ministers are not people who are available to run around here and there. They are worrying about the country. So, the prime minister was doing this job. He went to Minicoy and other islands here and there. And that was that.